हाय एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मिर्ची में। आज मैं आप लोगों के लिए एग की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने 7 एग्स लिए हैं। इसको मैं सबसे पहले बॉयल करना आपको सिखाऊंगी कि एग को बॉयल कैसे करते हैं। एग को बॉयल करने के लिए हमने लिया एक पैन, पैन में रखा है पानी। गैस का फ्लेम हमने पहले ही ऑन कर लिया था। उसमें मैं डालूँगी 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक इसमें इसलिए डाला जाता है कि आप एग्स को इसमें डालिएगा तो इसका जब एक बॉयल हो जाएगा तो इसका छिलका जो है ना आसानी से उतर जाएगा। इसके लिए हमने डाला है इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी एक एक करके सारा अंडा। इसमें मैं एक एक करके डाल दूंगी और इसे अच्छे से बॉयल होने दूंगी। फ्रेंड्स, जब इसे आप बॉयल करिएगा तब वो पता कैसे चलेगा कि अंडा हमारा बॉयल हो चुका है। अंडा आपको ऐसे पता चलेगा कि अंडा में क्रैक्स आ जाएंगे, छोटे छोटे से या बड़े से भी क्रैक्स आ जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा अंडा बॉयल हो चुका है। फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ आपको अंडा बॉयल करना ही बताया था। मैंने आपको बताया था कि अंडा बॉयल कैसे हो जाता है, कैसे पहचानना, मैं आपको एक लेके दिखाती हूँ। मैंने बताया था क्रैक्स आ जाएंगे, आप देख सकते हैं इसमें क्रैक्स आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हो चुका है अंडा हमारा अच्छे से पक चुका है अंदर, ये हमारा बॉयल हो चुका है। अंडा को बनाने के लिए मैंने क्या क्या सब चीज़ यूज किया है वो मैं आपको बताऊंगी। 7 अंडा बनाने के लिए हमने लिया है, ये लगभग 3 लोगों के लिए है। ये मैंने लिया है 4 प्याज है, 2 टमाटर है, आप धनिया पत्ता देख सकते हैं कितना है, और 1 ग्रीन चिली है, बड़ी वाली ग्रीन चिली है। 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, जिंजर पेस्ट। और मसाले में क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर है, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर है, और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम या 1 टेबल स्पून के लगभग मान लीजिए हल्दी पाउडर है। ये इतनी चीज़ें हमने ली है। लास्ट में मैं गरम मसाला भी लूँगी और थोड़ा सा मटन मसाला या मीट मसाला जो भी आपके पास हो वो भी जो मैं डालूँगी तो आपको बता दूँगी उसे कैसे डालना है और किस टाइम पर डालना है। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश करके कट करके फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ इसे बनाना कैसे है। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से धो के कट करके रखा है, अंडे को छील के भी रखा है। अंडा को फ्राई करने से पहले इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे से कट लगाने हैं, ऐसे छोटे छोटे से आप चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके सभी अंडे को एक एक करके आप कट लगाना है। कट आपको इसलिए लगाना है फ्रेंड्स क्योंकि जब आप अंडा फ्राई करेंगे तो उड़ेगा नहीं, क्योंकि इससे एयर लीकेज होगा। एयर लीकेज होने पर अगर ईजी तरीके से एयर नहीं निकलेगा तो तेल उड़ेगा, इससे जलने का डर होगा। इसलिए आपको अंडे को छोटा छोटा इसमें कट लगाना है। आप फोक की सहायता से लगा सकते हैं, स्पून की सहायता से लगा सकते हैं, नाइफ की सहायता से लगा सकते हैं। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो उस चीज़ में आपको सभी एग में आपको कट लगाने हैं। अब मैं आपको आगे एग बनाना कैसे है वो बताती हूँ। मैंने गैस का फ्लेम पहले ही ऑन कर लिया है, सेम पैन है, इसी पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो आप खाते हैं। मैं लगभग 4 टेबल स्पून के लगभग डालूंगी कुकिंग ऑयल। तेल गैस का फ्लेम हाई कर दिया है, इसे ऐसे ऐसे करके सारे में तेल को फैला दूंगी। तेल को अच्छे से गर्म होने दूंगी, तब तक ये जो सारे मसाले हैं इसे एक बोल में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक स्पून की सहायता से। आप लोग देख सकते हैं तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, हल्का हल्का तो धुआं निकलने लगा है तेल में से। इसमें मैं डालूँगी सारे एग अच्छे से डालें, फ्राई करने पर थोड़ा सा ये उड़ता ही है, इसलिए सब ध्यान से फ्राई करें। तो चलाते हैं एक करी बहुत ही कम तेल में बन जाता है, इसे ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें, हेल्दी बनाएं, हेल्दी खाएं। इसे प्रॉपर चलाते हुए फ्राई करें क्योंकि इसे डीप फ्राई भी हमें नहीं करना है। आप देख ही रहे कितना कम तेल हमने लिया है, इसे कम से कम तेल में फ्राई करें। चलाते हुए आप फ्राई कर चारों तरफ से फ्राई हो जाएगा। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। एग हमारा फ्राई हो चुका है, आपको सेम इसी तरह से एग को फ्राई करना है। आप
जब इसी स्टेज पे आपको एक एक करके अच्छे से सारे उसे एक प्लेट में निकाल लेना है। फ्रेंड्स, सेम पैन में मैं लूँगी, मैंने आपको नहीं बताया था कि तेज पत्ता भी लेना है, लेकिन मैं भूल गई थी, आपको तेज पत्ता भी लेना है। 4 से 5 छोटे छोटे में तेज पत्ता लिया है, और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा। तेज पत्ता और जीरा को दोनों को ब्राउन होने देंगे। जीरा हमारा क्रैकल हो गया है, तेज पत्ता ब्राउन भी हो गया है। इसमें मैं लूँगी ये जो हमने लहसुन जो रखा था हमने, इस तरह लहसुन मैं डाल दूँगी। लहसुन को भी थोड़ा सा ब्राउन होने दूँगी, हमें और ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। फ्रेंड्स, लहसुन भी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। इसमें मैं डालूँगी ये जो हमारी ग्रीन चिल्ली है, ग्रीन चिल्ली डाल के, और मैं इसे प्याज भी डाल दूँगी उसी टाइम। ऐसे अच्छे से चलाऊँगी। फ्रेंड्स, आपको अगर आपको लगे कि तेल थोड़ा सा कम है, आपको ज़्यादा ग्रेवी बनाना है, अगर आपने प्याज 4 की जगह आपने 6 कट किया है, तो आप तेल थोड़ा सा कम तेल की मात्रा बढ़ा घटा सकते हैं। आपको जितना तेल लेना हो आप ले सकते हैं, लेकिन अंडा कम से कम तेल में बन जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। प्याज को जल्दी से सॉफ्ट होने के लिए मैं नमक इसमें पहले ही डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक तो इसमें जाएगा ही जाएगा, मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक अभी डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, आप इतना नमक खाते हैं इसे प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी बन के रेडी भी हो जाएगा, नहीं तो प्याज को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फ्रेंड्स, हमने जितने सारे मसाले लिए थे, इस सारे मसालों को मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। इस बोल में मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। आप देख सकते हैं मसाले को फूलना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसे खाना टेस्टी बनता है, कोई भी चीज़ बनाए टेस्टी बनता है, इसलिए मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा पानी। जब तक प्याज हमारा भून के रेडी होगा, तब तक हमारा मसाला भी फूल के रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें जो जिंजर हमने आपने देखा होगा, सिर्फ हमने लहसुन डाला है, जिंजर नहीं डाला है। अदरक को मैंने मसाले के साथ रख दिया है फूलने के लिए। ऐसे अदरक तो पेस्ट है, फुलाई हुआ है, लेकिन मैंने साथ में रख दिया है मसाले के साथ, वो भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, 2 से 3 मिनट लगा है। अब सॉल्ट डालने के बाद बस 2 से 3 मिनट में प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है, नहीं तो कम से कम इसमें 6 से 7 मिनट लग जाते। फिर हमने जो मसाला रखा था फूलने के लिए, ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी, इसे किसी स्पून की सहायता से अच्छे से डाल दूँगी मैं इसको इसमें, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मैं फ्राई करूँगी। इसको फ्राई होने में फ्रेंड्स टाइम लगेगा, क्योंकि मसाला को अच्छे से पकाना है। मसाला को अच्छे से पकाएंगे तभी एक करी अच्छे से बनेगी और टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, मसाला 6 से 7 मिनट से फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं प्याज हमारा आधा से ज़्यादा गल चुका है, तेल भी छोड़ने लगा है, लेकिन इसको हमें अब और भी फ्राई करना है। अभी जितना फ्राई किया उससे ज़्यादा ही होगा, कम फ्राई नहीं होगा। अभी इस प्याज को और गलाना है। एक टमाटर जो हमने कट करके रखा था, एक टमाटर अब मैं डालूँगी। मसाला को 6 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद हमें टमाटर डालना है, पहले टमाटर नहीं डालना है। अब इस टमाटर को अच्छे से गलाएंगे, इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि हमारा मसाला ज़्यादा ड्राई हो चुका है, मसाला जलने लगा है, अब प्याज हमारा नहीं गला है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा वैसे ही मैं करती हूँ, थोड़ा सा मसाला, अभी मेरा मसाला ड्राई नहीं हुआ है, अगर हमें लगेगा कि इसमें पानी डालना चाहिए तो मैं पानी डालूंगी। अब अपनी छन्नी की सहायता से ऐसे कर करके आप अच्छे से बनाएं, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। फ्रेंड्स, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक टमाटर नहीं गला हुआ है, मसाला हमारा अच्छे से ड्राई भी हो चुका है, प्याज भी थोड़ा सा अभी गलना बाकी है। मैं इसमें डालूंगी फिर से थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून तक पानी डाला होगा मैंने, और उसे पानी डाल के फिर से फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, इसी टाइम में मैं इसमें डालूँगी मटर मसाला, 1 टेबल स्पून के लगभग मटर मसाला डाल रही हूँ। आप ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं डालना चाहे तो नहीं डालिए। आप इसमें मटर मसाला, मीट मसाला कोई भी डाल सकते हैं। मेरे पास मटर मसाला था तो मैंने मटर मसाला ही डाल दिया, अगर मटर मसाला डालने से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। आप देखिए, आप देख सकते हैं इसमें पानी डालने के बाद ग्रेवी थोड़ा सा एकदम फ्लफी सा लग रहा होगा आपको ग्रेवी। इसमें इसे ऐसे ऐसे मार मार के
टमाटर को गलाने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और आपको एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें और बना के खाए, अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि हमारा बनाया हुआ एक करी, बताया हुआ एक करी आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूँगी फ्राई करने के लिए, इससे पानी डाला है मैंने। फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं कि तेल भी बहुत अच्छे से छोड़ने लगा है। इसमें मैं डालूँगी पानी, हमें ग्रेवी इसका ठीक ही रखता है कि एक करी का ग्रेवी पानी जैसा बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, आपको एक करी का ग्रेवी ठीक ही रखना है। आपको थोड़ा सा इसमें अंडा को बॉयल आने तक का वेट करना है, तब इसमें अंडा डालना है। मैं थोड़ा सा और डालूँगी, आप देख सकते हैं मैंने ग्रेवी को कितना ठीक रखा है, इसमें बॉयल आने तक का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो ये अंडा लिया है इसको इसमें थोड़ा सा कट लगाएंगे। कट कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। कट आपको लगाना है, ये जो अंडा है इसको एक साइड से ऐसे कट लगाना है और एक साइड से ऐसे कट लगाना, दोनों साइड से कट लगाना है आपको कि इसमें ग्रेवी थोड़ा सा चला जाए और खाने में आपको फीका फीका सा ना लगे, टेस्टी लगे। अब आप देख लिए कैसे कट लगाना, एक बार और कट लगा आपको दिखाती हूँ। एक साइड से ऐसे कटना है और ठीक इसके अपोजिट साइड से आपको ऐसे सारे एक में मैं ऐसे कट लगा लूँगी एक एक करके। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा बॉयल आने लगा है ग्रेवी में। अब इसमें मैं डाल दूँगी सारा एक से मैं इसमें डाल दूँगी, एक को डाल के मैं थोड़ा सा चलाऊंगी, एक मिनट तक और पकने दूंगी ग्रेवी में। मैं डालूंगी थोड़ा सा, फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँ, एक चौथाई टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम गरम मसाला। एक घर का बना हुआ गरम मसाला मैंने लिया हुआ है, आपके पास जो गरम मसाला हो आप वो डाल सकते हैं। गरम मसाला डाल के इसे थोड़ा सा चलाएंगे और मैं इसमें डालूंगी जो धनिया पत्ता हमने कट करके रखा था। धनिया पत्ता सबसे लास्ट में डालना है, लास्ट में डालने से इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। फ्रेंड्स, एक बार मैं और कहना चाहूँगी, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एग हमारा बन के रेडी हो गया, इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, एग हमारा बन के रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और कहना चाहूँगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप हमारे वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।